एक था मोहन। चैप्टर 28। एक हत्याकांड से जन्मा आंदोलन। बिहार में 13 अप्रैल को सतुआन और जूड़ शीतल मनाया जाता है। ठीक उसी दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। पंजाब का बड़ा त्योहार है बैसाखी। लेकिन उस साल बैसाखी के समय माहौल त्योहार का नहीं था। सन 1919 में पंजाब में खलबली मची हुई थी अंग्रेज सरकार के एक नए कानून की वजह से। इसकी वजह से किसी भी हिंदुस्तानी को पुलिस बिना किसी से पूछे हिरासत में रख सकती थी, यानी पुलिस मनमानी कर सकती थी। देश भर में इसके विरोध में हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकल रहे थे। उस बैसाखी की सुबह हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। ये पंजाब के अमृतसर शहर में है और इसमें घुसने का एक ही रास्ता है। चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं जिन्हें लांघना मुश्किल है। बैसाखी के लिए शहर आए बहुत से गांव वाले भी वहीं पहुंच गए थे। इस बाग के एकमात्र रास्ते को रोकते हुए कर्नल डायर 19 सैनिकों के साथ आए, जिनमें से 50 सैनिकों के पास बंदूकें थी। किसी ने वहां मौजूद लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी। सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां दागनी शुरू कर दी और तब तक चलाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। सामने खड़े लोग कहीं भाग नहीं सकते थे, सब वहीं खड़े रहे। एक एक गोली 2-4 लोगों को भेदती हुई जाती थी। लोग सामने से हटकर कोने में भागे तो जनरल डायर ने सैनिकों को मुड़कर गोली चलाने को कहा। न जाने कितने लोग तो भगदड़ में कुचल कर मारे गए। लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के बीच में स्थित कुएं में कूदते गए। एक के ऊपर एक कूदने से 120 लोग दम घुटने से मर गए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 घायल हुए। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। सरकार ने मरने वालों की संख्या छुपाने की कोशिश की। जनरल डायर ने बाद में कहा कि वे पूरे भारत को सबक सिखाना चाहते थे और सरकार ने उनकी तारीफ भी की। धीरे धीरे इस हत्याकांड की खबर देश भर में फैली। लोग तिलमिला उठे। विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे शांत और निहत्थे लोगों को ऐसी निर्दयता से मार डाला गया है। इस गुस्से ने कुछ महीनों में ही असहयोग आंदोलन का रूप धर लिया और अंग्रेज शासन से आजादी की मांग की। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधीजी को बहुत से लोग जान गए थे। अब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेता बन चुके थे। उन्हीं ने असहयोग आंदोलन संभाला और इसका असर देश भर में फैलता गया। जगह जगह हड़ताल होने लगी, जुलूस निकलने लगे, बड़ी संख्या में महिलाएं शराबबंदी के लिए धरना देने लगी। गांधी जी ने लोगों का ध्यान विदेशी कपड़ों की ओर खींचा, जो हिंदुस्तान की गुलामी का एक बड़ा कारण था। विदेशी कपड़ा पहनना गुलामी का प्रतीक बन गया। बहुत सी जगह इंग्लैंड से आए कपड़ों की होली जलने लगी।